हजरत, एक सवाल यह है और आजकल आमतौर से ज्यादातर हमारे जवानों में देखने में मिल रहा है, पैंट मोड़कर नमाज पढ़ना कैसा है? हमारे जवान हजरात ज्यादातर मस्जिदों में नीचे से पैंट लंबी होती है तो एक दो तीन फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तो पैंट मोड़कर नमाज पढ़ना कैसा है? पैंट टखनों से ऊपर तक ही तैयार कराए सिलवाए ताकि मोड़ने की जरूरत ना पेश आए। मोड़ने की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब पैंट टखनों से नीचे लटक रहे हो, उस वक्त। अगर आपने पैंट दुरुस्त नहीं कराया तो मोड़ना चाहिए, इस तौर पे मोड़िए जिस तौर पे आदतन मोड़ा जाता है और सिला जाता है, उस तौर पे न मोड़िए जिस तौर पे मोड़ना आदत के खिलाफ है और उस तौर पे मोड़कर सिला नहीं जाता। यानी अगर इसको आप यूं उलट कर यूं मोड़ते हैं तो यूं उलट कर मोड़ना आदत के खिलाफ है, और अगर अंदर से मोड़े कि इसको आप यूं कर लें या अंदर से, तो अंदर से मोड़ना आदत के मुताबिक है और यूं ही मोड़कर उसकी सिलाई होती है, तो ये जायज है। जरूरत है मोड़ने की तो अंदर से फोल्ड करें, मोड़े तो इसमें कोई कराहत नहीं है, और ऊपर से मोड़ेंगे तो कराहत आ सकती है और कराहत भी कराहत तहरीर हो सकती है। आदत के खिलाफ कपड़े को मोड़ना और पहनना ये मकरूह है, लिहाजा इससे बचा जाए। आदत के मुआफिक हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं।